हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का एमसीक्यू सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है। इससे पहले पांच एमसीक्यू हमने सॉल्व किया था 5 दिन तक। डेली बेसिस पे हम लोग 15 से 20 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो आज हमारा डे 6 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, ठीक। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक स्टेज। सेकेंड, ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड द थीम वेयर मल्टीपल बट द पेंटिंग्स वेयर स्मॉलर इन साइज विथ प्रीडोमिनेंटली हंटिंग सीन। स्टेटमेंट थ्री क्या बोल रहा है, द पेंटिंग ऑफ द मेजोलिथिक फेज वेयर लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूज एनिमल्स एंड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर, ठीक। तो एमसीक्यू सॉल्व करने का हम लोगों का जो तरीका था, ये क्या था कि हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसमें से 100% सही कौन सा हो सकता है या 100% गलत कौन सा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग ऑप्शंस को इलिमिनेट करेंगे। तो अगर हम लोग दो ऑप्शंस को इलिमिनेट कर पा रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि इन द एग्जामिनेशन हार्डली ऐसा 25-30 क्वेश्चन ही हार्डली ऐसा होगा जिसके ऊपर आप 100% श्योर होंगे ये इसका आंसर है, बाकी में इंटेलिजेंट गैस वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे स्टेटमेंट ये वाला है, ठीक। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या कि ये जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पेंटिंग हमारा मिलता है वो लोअर पैलियोलिथिक एज से नहीं मिलता है, हम लोग को मिलता है अपर पैलियोलिथिक एज से, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ऑप्शन वन अगर गलत होता है, मेरा स्टेटमेंट वन अगर गलत है, तो मेरा ये ऑप्शन वन कटेगा, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं फिर हम लोग। सेकंड, ये अच्छा बताया था क्या, देखो पैलियोलिथिक एज जो होता है हमारा, जो हिस्ट्री जो होता है ना, हिस्ट्री को हम लोग दो पार्ट डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है मेरा प्री हिस्टोरिक पीरियड और एक होता है मेरा हिस्टोरिक पीरियड। तो जिसका एविडेंस हमें मिलता है, जिसके बारे में लिटरेरी एविडेंस है हमारे पास, कुछ टेक्स्ट वगैरह है, उसको हम लोग मानते हैं हिस्ट्री का पार्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड का पार्ट। लेकिन ऐसा पीरियड जैसे स्टोन एज हो गया, ठीक, जहाँ पे हमारा लिटरेरी एविडेंस हम लोग को नहीं मिलता है, उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है मेरा पैलोलिथिक एज, ठीक। सेकेंड मेजोलिथिक एज, थर्ड न्यूलिथिक एज, फोर्थ होता है चार्ट्रोलिथिक एज, ठीक। अब उसके बाद जो पैलोलिथिक एज होता है ना, तो मेनली इसको भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टार्ट सबसे पहला जो था मेरा क्या था, लोअर पैलोलिथिक एज, ठीक। फिर आता है मेरा मिडिल और लास्ट मेरा आता है अपर पैलोलिथिक एज, ठीक। अपर के बाद हम लोग फिर मेजोलिथिक में एंटर करते हैं, फिर उसके बाद न्योलिथिक में, फिर चार्ट्रोलिथिक के अंदर, ठीक। तो मेजोलिथिक जब फेज होता है ना, तो ये क्या होता है, इंडिया के अलग अलग पार्ट में या वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं, टाइम मशीन नहीं था, एक चुटकी बजाया हमने और पूरे वर्ल्ड के अंदर मेजोलिथिक स्टार्ट हो गया, ठीक। हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में, इंडस वैली में पहले आया, साउथ इंडिया में बाद में आया, ठीक है। तो गैप हो सकता है, ठीक, टाइमिंग को लेकर। लेकिन ये क्या होता है, कैरेक्टर फीचर्स होता है। लाइक एग्जाम्पल, मेजोलिथिक पीरियड के एंडिंग में क्या होता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेजोलिथिक पीरियड के एंडिंग में जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, तो हम लोग एक न्यू फेज में इंटर करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूलिथिक फेज, ठीक है। और बाद में चार्ट्रोलिथिक फेज वो होता है जहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है वो चार्ट्रोलिथिक पीरियड का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, ये तो मेरा स्टेटमेंट वन गलत हो गया। अब स्टेटमेंट वन अगर मेरा गलत है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा इलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं अलग, फिर ये देखो स्टेटमेंट, द पेंटिंग ऑफ द मेजोलिथिक फेज वी आर लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूज एनिमल एंड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर। नहीं, जो स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर का जो डायग्राम है ना, वो क्या देखो, स्टार्टिंग में जब पेंटिंग बनाना स्टार्ट हुआ ना, तो ह्यूमन तो उतना ज्यादा मतलब स्किलफुल था नहीं, तो उसने जब पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया तो वो ह्यूमन फिगर को पाँव को हाथ पे एज अ स्टिक दिखाता था। वो अपर जो पैलिथिक स्टेज था उसका इम्पोर्टेंट मतलब कैरेक्टर था उसका, तो ये मेजोलिथिक का नहीं था, ठीक है। बी ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया, थ्री मेरा गलत हो गया, ठीक। उसके बाद ये अपर पैलिथिक एज, तो ये भी गलत है मेरा, तो ऑप्शन इसका डी होगा। तो ये मैंने बता दिया क्या, अर्लीस्ट पेंटिंग का एविडेंस हमको कहाँ से मिलता है, अपर पैलिथिक स्टेज से, ठीक है। कैसा था, मैंने बता दिया कि अपर पैलिथिक जो फेज था उसके अंदर पेंटिंग हमारा कैसा होता था, लीनियर रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसे ऐसे बना के गोल गोल, जैसे बच्चों बनाते हैं लोग, ये हाथ के लिए हो गया, ये पाँव के लिए हो गया, इस टाइप से।
नंबर टू देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेड एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले वही तरीका क्या खोजेंगे, सबसे ज्यादा गलत होने का चांसेस कौन सा या सही होने का, फिर उसके बेसिस पे हम लोग ऑप्शन को इलिमिनेट करेंगे। दो ऑप्शन इलिमिनेट कर पाएंगे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट वन, द गुप्ताज इशूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशंट इंडिया। सेकेंड, गुप्ता पीरियड सॉ एन इंक्रीज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। थर्ड, दिस पीरियड विटनेस द इमर्जेंस ऑफ अ क्लास ऑफ प्रेस्टी लैंडलॉर्ड। ठीक, अब क्या है, अगर आपने हिस्ट्री का अगर नहीं भी पता है डिटेल तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लेकिन एक अगर फ्लो पता है तो आपको ये पता होगा क्या कि मौर्य एम्पायर के टाइम में क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बहुत ज्यादा था, ठीक है, लेकिन गुप्ता पीरियड के टाइम में क्या होता है, क्योंकि हमारा अटैक इंडिया को स्टार्ट ज्यादा हो जाता है, इधर से सेंट्रल एशिया से हूंस का अटैक होता है, ठीक है, साकास का अटैक होता है, इसलिए क्या होता है कि ये जो ट्रेडिंग रूट जो पहले मौर्य के टाइम में स्टेबलाइज था क्योंकि मौर्य का कंट्रोल था उस एरिया में, वो गुप्ता के टाइम में क्या होता है, वो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के हाथ पे चले जाते हैं, ठीक, जिसके कारण क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड पे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है एज कम्पेयर टू मौर्य पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड का जो ट्रेडिंग था या इकोनॉमी था बहुत ही वीक था, ठीक है, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली और मिलिट्री, ठीक ना, इकोनॉमिकली मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो मौर्य डायनेस्टी बहुत सुपीरियर डायनेस्टी एज कम्पेयर टू गुप्ता डायनेस्टी, ठीक, तो ये तो ऑप्शन मेरा गलत हो गया टू नंबर। अगर टू गलत है तो ये ऑप्शन मेरा इलिमिनेट हो गया, ये इलिमिनेट हो गया, ठीक। थर्ड, ये तो सही है क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है, जो फेडरलिज्म का स्टार्ट होता है इसके अंदर ये होता है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, को पहले क्या होता था कि जैसे जो फार्मर है, ठीक है, वो लैंड ओनर कर रहा है, जो फार्मर होता था वो क्या करता था, वो लैंड ओनर भी था प्लस वो फार्मिंग भी करता था, मतलब जो जिसका जमीन है वो किसान भी था, मतलब लैंड और फार्मर दोनों एक इंसान होता था, ठीक। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब राजा लोग स्टार्ट करते देना क्या कि मतलब इस ब्राह्मण को हमने जमीन दे दिया, इस स्कॉलर को हमने जमीन दे दिया, ठीक, इस एजुकेटेड पर्सन को हमने जमीन दे दिया, तो अब क्या हुआ, अब जैसे मान लो एक ट्रेवलर हुआ या एक ब्राह्मण हुआ, ठीक, मान लो राजा ने उसको जमीन दिया, ठीक ना, किंग ने उसको लैंड ग्रांट दे दिया, ठीक, अब वो ब्राह्मण अपना काम धाम छोड़ के वो तो खेती करेगा नहीं, ठीक है, नॉर्मल सा बात है, अगर फार्मिंग करेगा नहीं तो फिर वो क्या करेगा, वो जो लैंड उसको मिला है वो क्या करेगा, लैंड किसी और को दे देगा और अपना नेचुरल जो काम कर रहा था मतलब एग्रीकल्चर का वो पर्सन करेगा, और जो ब्राह्मण जिसका ओनरशिप है लैंड का वो अपना नॉर्मल पूजा पाठ करते रहेगा, या फिर जो स्कॉलर अपना पढ़ाई लिखाई वाला काम करते रहेगा, ठीक। तो मतलब क्या था, गुप्ता पीरियड के टाइम में क्या होता है या गुप्ता पीरियड के पहले भी होता है, सतवाना से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर लैंड ग्रांट का सिस्टम स्टार्ट हुआ था सतवाना के टाइम में, ठीक है, लेकिन गुप्ता पीरियड के टाइम आते आते क्या होता है, वो ज्यादा मतलब पीक पे हो जाता है, क्लाइमेक्स उसका आ जाता है, ठीक। हाँ, तो अब क्या होता है इसके बाद कि लैंड ओनर क्लास और लैंड को फार्मिंग करने वाला दोनों अलग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक आदमी जो होता है वो जमीन का ओनर तो होता है लेकिन वो सब खेती नहीं करता है, उसको खेती करने के लिए किसी और को रख देता है वो, ठीक है, जिसको कहते हैं पट्टे पे, जो भी हो, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन थ्री मेरा सही है, तो ऑप्शन थ्री अगर मेरा सही है तो आ गया मेरा आंसर सी, तो सी आंसर इसका। तो गुप्ता डायनेस्टी को फॉर्म किया था हमारा श्री गुप्ता ने किया था, ठीक है। डायनेस्टी के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो एक चाइनीज ट्रेवलर जो आया था उस टाइम में फाहिम, उससे हमें मिलता है, ठीक। गुप्ता पीरियड के टाइम में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर रिलीज किया गया था, लेकिन सबसे पहला जो गोल्ड कॉइन इंडिया में रिलीज हुआ था वो हुआ था कुशाना के टाइम में, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, मौर्य डायनेस्टी के कंपेयर में जो गुप्ता डायनेस्टी था वो इकोनॉमिकली वीक था, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वीक था और मिलिट्री के हिसाब से वीक था, मतलब क्या मौर्य डायनेस्टी जो था उसका इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री ज्यादा सुपीरियर था एज कम्पेयर टू गुप्ता, और लैंड एरिया भी उसके मतलब जो जिसका एरिया पर रूल किया था वो भी बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू गुप्ता। तो क्वेश्चन थ्री देखते हैं हम लोग फिर। क्वेश्चन थ्री क्या है, विथ रेफरेंस टू द चोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विजयलया वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर, चोला किंग वेर फेमस फॉर द नेवल पावर। तो अगर चोला डायनेस्टी पढ़ा होगा आप लोगों ने, चोला डायनेस्टी अगर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा क्या कि चोला वॉज फेमस फॉर नेवल पावर। तो ऑप्शन टू तो मेरा सही है, अगर ऑप्शन टू मेरा सही है तो ये मैं इलिमिनेट हो गया, ये इलिमिनेट हो गया मेरा, ठीक है, ये दोनों इलिमिनेट हो गया मेरा, तो उसके बाद ऑप्शन ये बचता है और ये बचता है, और ये तो सही है, विजयलया नहीं मतलब एक टाइप से फाउंड किया था इसको, तो मेरा इधर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है, तो ये रख दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो ये लोग फेमस थे अपने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नेवल पावर के लिए फेमस, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा टेम्पल वगैरह ही बनवाया था। तो क्वेश्चन फोर पे देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली के अंदर जो एग्रीकल्चर हो रहा था उससे रिलेटेड कौन कौन सा बातें सही है यहाँ पे, ठीक है। पहला, द इंडस पीपल हार्वेस्टेड वीट, बार्ली, राई, पीज, राइस एंड मस्टर्ड, क्या इस बार खेती वो लोग करते थे। सेकेंड स्टेटमेंट, ब्रॉन्ज टूल्स वेर यूज टू प्लग फील्ड एंड एज सिकल टू हार्वेस्ट द क्रॉप, ब्रॉन्ज टूल्स का यूज करते थे हम लोग मतलब एक तरह से खेती वेती करने के लिए। ऑप्शन थ्री, कॉटन वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फेज, ये तो सबको पता है कि इंडस वैली के टाइम में कॉटन सबसे पहला जो कॉटन स्टार्ट हुआ था इंडस वैली के टाइम में ही स्टार्ट हुआ था प्रोडक्शन उसका, तो इट वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल क्रॉप। ऑप्शन थ्री मेरा सही है, ऑप्शन अगर थ्री मेरा सही है तो ये इलिमिनेट हो गया मेरा, ठीक है। ऑप्शन फोर, रागी वॉज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन द दौलतापुर एंड मिथाल इन हरियाणा एंड हुलाद इन उत्तर प्रदेश, तो भाई इसके बारे में तो किसी को भी आइडिया नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि इतना डिटेल में किसी बुक में किसी ने पढ़ा नहीं होगा, ठीक, तो इसको छोड़ देते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या क्या हम इलिमिनेट कर पा रहे हैं। अब ऑप्शन टू देखो, ऑप्शन अगर टू देखोगे आप लोग, ठीक है, तो ऑप्शन टू में आपको एक चीज नजर आएगा क्या यहाँ पर, कि ब्रॉन्ज टूल अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर तो आपने ये देखा होगा क्या कि ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज एज अ मेटल जो है था हमारा वो उसको वो ज्यादा अवेलेबल नहीं था, स्केयर था, ठीक ना, तो नेचुरल से बात है कि इसलिए इंडिया के अंदर जो ब्रॉन्ज का टूल्स वगैरह मिलता है या फिर ब्रॉन्ज स्टैचू हम लोग को मिला है बहुत ही कम मिला है, क्योंकि ब्रॉन्ज इंडिया में मतलब एज अ सोर्स उसका बहुत कम था, इसलिए क्या था, तो नेचुरल से बात है कि इस चीज का अगर सोर्स इंडिया में कम है तो उसका टूल फार्मर्स कैसे यूज कर पाएगा बड़े स्केल पे, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन टू भी इस लॉजिक के साथ कैंसिल हो जाता है मेरा, ठीक है, तो ये गलत हो गया मेरे पास। अब ये और ये बचा है मेरा, तो ऑप्शन फोर यहाँ गलत है, क्योंकि रागी जो है वो अगर आपने बुक पढ़ा होगा हिस्ट्री का, ठीक, उसके अंदर आपने जो पढ़ा होगा कि कौन कौन सा एग्रीकल्चर क्रॉप इंडस के टाइम में था, तो उसमें कहीं भी रागी का नाम नहीं होगा, ठीक है, रागी बहुत बाद में आता है, ठीक, तो ऑप्शन थ्री भी फोर भी मेरा चला गया, तो मेरा आंसर आ गया डी, ठीक है। वुड का वो लोग यूज करता था प्लग। तो क्वेश्चन नंबर फाइव, Which of the following factors were responsible for Magadha to emerge as the most powerful of the 16 Mahajanapadas? तो हमने देखा था ना टोटल हमारा 16 महाजनपदास था, there were 16 महाजनपदास, उनके बीच में स्ट्रगल होता है और फाइनली मगध जो होता है सबसे पावरफुल इमर्ज होकर निकलता है, फटा पोस्ट निकला हीरो टाइप, तो ऐसा क्या क्या रीजन था कि उस 16 टीम को हरा के मगध अकेला आईपीएल चैंपियन बन गया, ठीक है, देख लेते हैं। तो ये नेचुरल सा बात है कि हर बुक में दिया है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देख लेना, ठीक। तो मगध डायनेस्टी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, अगर पूरा ही एंशियंट हिस्ट्री आप कवर नहीं भी कर पा रहे हो तो कुछ कुछ डायनेस्टी होता है या कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, मगध डायनेस्टी हो गया, ठीक है, गुप्ताज हो गया, सतवानाज हो गया, तो ये सब कुछ कुछ है जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लो कम से कम, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, कैसा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था जिसने मगध के राइज होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पहला, presence of iron mines which provided resources for tools and weapons. Second, elephants were an important component of the Magadha army. Third, ambitious king and minister such as Bimbisara, Ajatasatru and Mahapadananda. ठीक, तो देखो मगध जो था, मगध के आसपास के एरिया में क्या, अगर आप देखोगे ज्योग्राफी के हिसाब से तो अभी के हिसाब से बिहार झारखंड का एरिया मगध के अंदर में था, ठीक है, इस लॉजिक के साथ आपको ये पता है कि आज के टाइम में भी वहां पे आयरन ओर मिल रहा है, तो नॉर्थ नेचुरल से बात है क्या आयरन ओर तो वहां पे मिलता है, तो ऑप्शन टू तो मेरा स्टेटमेंट वन सही है। अगर स्टेटमेंट वन मेरा सही है तो ये ऑप्शन बी इलिमिनेट हो गया मेरा, ठीक है। सेकंड, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको एक चीज पता होगा क्या कि जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो वॉर हुआ था, ठीक ना, तो बाद में उन्होंने पीस ट्रीटी किया था, सेल्यूकस निकेटर मेनली जो ग्रीक था ना, ग्रीक आर्मी जो आया था अलेक्जेंडर के साथ, तो अलेक्जेंडर के जाने के बाद उस एरिया को उन्होंने मतलब जो ग्रीक जनरल्स थे उन्होंने वहां पर रूल स्टेब्लिश कर दिया, तो फाइनली आगे चल के सेल्यूकस निकेटर जो होता है उस एरिया में सबसे पावरफुल ग्रीक रूलर इमर्ज होके आता है, ठीक है, और आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य में और सेल्यूकस निकेटर में, तो दोनों शांति से बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं और बोलते हैं भैया लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, एक काम करते हैं, ठीक है, झगड़ा वगैरह दुश्मनी छोड़ के रिश्तेदारी बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर की जो डॉटर होती है उसका शादी हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिसके बदले में वो उसको थोड़ा सा लैंड देता है इंडस वैली, इंडस रिवर के आसपास का, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 हाथी दे देता है, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर ये चीज बुक के अंदर भी कोई मतलब ऐसा दादी दादी नानी का कहानी सुना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बुक के अंदर में मिलेगा, ठीक। तो ये चीज मेरा सही है। तो अब वैसे भी क्या है कि उस जंगल एरिया है, ठीक, वहां पे उड़ीसा हो गया आज के टाइम का, झारखंड हो गया, ठीक, यहाँ पे हाथी मिलता ही है, तो ऑप्शन टू भी मेरा सही है, ये भी सही है मेरा। और ये तो नेचुरल से बात है क्या कि सब कुछ रिसोर्स हो लेकिन राजा एबल ना हो तो फायदा तो है नहीं,
तो वहां का जो राजा था बहुत ही एम्बिशियस था और बहुत ही एबल्ड मंत्री थे वहां पे, ठीक है, तो वो भी एक रीजन था, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाता है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू मेडिवल सुल्तान इन द इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग। बालबन इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस इन हिज मिलिट्री। अब देखो, जो हमारा दिल्ली सल्तनत था ना, तो मेनली क्या होता है, पांच डायनेस्टी रूल करता है, इसके अंदर फाइव डायनेस्टी होता है, उसको याद रखने का क्रोनोलॉजी क्या था। बेसिकली मेरा फुल नाम है, नेम है, और साथ में जो भी है, तो ये हो गया मेरा क्या, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, लोडी डायनेस्टी। ठीक है, तो मैंने ऐसे जुगा रखा है कि मेरे मतलब फुल नेम एंड ठीक है जो भी है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, पहला हमारा अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ जिहाद और फेशियल रिकॉग्निशन इन द मिलिट्री। ठीक है, थर्ड, फिरोज शाह तुगलक सेट अप सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। ठीक, तो अगर मेडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको एक चीज पता क्या होगा, कि जो फिरोज शाह तुगलक था ना, उसने कुछ कुछ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया था। जैसे एग्जाम्पल, उसने क्या बनाया था, एक स्लेव का बनाया था, कि जो भी स्लेव उसके पास होता था, उसने अपना मतलब एक आर्मी तो उसका था ही, ठीक है, उसके अलग से उसने वॉर के अंदर में जो जो भी आर्मी मतलब स्लेव्स, या फिर जो जो भी पकड़ाता था, या फिर जो जो भी मतलब स्लेव्स होता था, उसका एक अलग ग्रुप बना दिया था। मतलब क्या, एक टाइप से उसका पर्सनल आर्मी टाइप का, ठीक है, वो था। उसके बाद उसने एक मतलब मैरिज डिपार्टमेंट भी बनाया था, जिससे कि जिसके पास मैरिज होता है, अगर मान लो उसका फाइनेंशियली होता है एबल नहीं है, तो उसको एक हेल्प करने के लिए एक अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भी उन्होंने बनाया था। इवन आज के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब आज के टाइम में भी गवर्नमेंट के पास ये अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने एक अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अंदर जो भी अनएम्प्लॉयड होते थे उनको अलाउंस दिया जाता था। उसके बाद जो भी दिल्ली के आसपास के एरिया में जो भी गार्डन वगैरह देखते हो ना, फ्रूट्स का बगीचा वगैरह, ठीक है ना, हिसार वगैरह, वो सब फिरोज शाह तुगलक के टाइम में डेवलप हुआ था, कैनल वगैरह। ठीक, तो ये तो ऑप्शन सही है कि उसने डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव बनाया था। तो कहाँ का मेरा थ्री है, यहाँ थ्री है, यहाँ थ्री है, यहाँ थ्री है। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया मेरा। अब आगे देखते क्या, कि अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द सिस्टम जिहार, ये तो सही है, टू मेरा सही है, तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया, सॉरी टू तो सही है ना मेरा, टू सही है, तो मेरा ये एलिमिनेट हो गया मेरा। अब देखते हैं, पहला बालवन इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्स इन मिलिट्री, नहीं, बालवन ने स्टार्ट नहीं किया था, खिलजी ने स्टार्ट किया था, ये गलत हो गया मेरा। ठीक है, अलाउद्दीन ने किया था, ये सब मूवी में नहीं दिखाएगा, ठीक है, तो हिस्टोरी के हिसाब से मूवी में कुछ नहीं रहता है, खाली वो फालतू गलत स्टोरी घुसा देता है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स कुछ देता नहीं है वहां पर। ठीक है, तो सिक्स का हो जाएगा मेरा डी, सही है, ये भी कट गया, तो वन गलत है मेरा, ये तो कट ही गया, वन गलत है। द हागेन चेयर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा मैंने बताया। ठीक, बालवन ने स्टार्ट किया था, क्या अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, और कोतवाल जो आज के टाइम में होता है, इवन गांव के एरिया में भी जो वर्ड यूज होता है कोतवाल है क्या, तो कोतवाल है क्या, अल्टीमेटली स्टार्ट हुआ था बालवन के टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल एंड एडुकेशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द मुगल एम्पायर अकबर। ठीक है, तो अकबर के टाइम में, ठीक है, अकबर ने कौन कौन सा सोशल रिफॉर्म्स अपने एरिया में लिया था, या अपने राजा बनते टाइम जब तक वो रूलर था, उसने कौन कौन सा सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये तो पहला, अकबर इशूड ए ब्लैंकेट बैन ऑन सती। दूसरा, ही लीगलाइज विडो री मैरिज। ही रेज द एज ऑफ मैरिज टू 14 फॉर गर्ल्स एंड 16 फॉर बॉयज। ही रिवाइज द एजुकेशन सिलेबस, लेइंग एम्फेसिस ऑन सेक्युलर सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड मोरल साइंस। देखो, ही लीगलाइज विडोरी मैरिज, तो अकबर ने विडोरी मैरिज को लीगलाइज किया था। ठीक, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, ही रेज द एज ऑफ मैरिज टू 14 फॉर गर्ल्स एंड 16 फॉर बॉयज, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखना, क्या अकबर ने अप्रोक्स 1600 के आसपास, ठीक है, मतलब तो मेल का मैरिज एज 16 किया था और फीमेल का 14 किया था। ठीक है, और ये जो है ये सेम एज, ठीक, अप्रोक्स नहीं भी तो कम से कम हमारा इंडिपेंडेंस तक ये चला था। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया तक ये चला था हमारा, तो सोच सकते हो क्या कि अकबर ने जो 1600 के अंदर रूल बनाया था, एज फिक्स किया था मैरिज का, वो इवन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ तब तक वो रूल रहा था। ठीक है, इवन मैरिज के टाइम में, मतलब ब्रिटिश के टाइम में भी ये जो था इसको फॉलो किया गया, और मतलब उसको आगे किया गया, और आज के टाइम में ये 18 है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस आया नहीं। 1600 में अकबर ने 14 साल किया था, आज के टाइम में वो 18 हो गया था, और ये 16 वाला 21 हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो कितना ज्यादा, मतलब एक टाइप से जो भी चीज आ रहा हूँ। थर्ड,
तो हाँ बिल्कुल सही है। तो उसने एडुकेशन के अंदर जो पढ़ाई लिखाई होता था उसके अंदर रिलीजियस टेक्स्ट को का जो असर होता है उसको कम करने के लिए उसने जो साइंस हुआ, लॉजिक हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इन सब के सिलेबस को प्रमोट किया उसने, ठीक है। तो इसी कारण क्या हुआ कि अकबर का और जो रिलीजियस पर्सन होते थे ना, मतलब उलेमा वगैरह, ठीक है, उनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और जो उलेमास वगैरह होते थे उन्होंने रिवोल्ट भी किया था अकबर के खिलाफ में, ठीक है। तो सोच सकते हो क्या कि इस बंदे ने, अकबर ने अपने रिलीजन, धार्मिक मतलब धर्म गुरु के अगेंस्ट में जाके एक टाइप से इंडिया को यूनाइट करने के लिए, एक टाइप से हर रिलीजन का जो कोर कोर कॉन्सेप्ट होता है उसको यूनाइट करने का काम किया था। ये अकबर इशू, अब ये ऑप्शन बचा है मेरे पास, तो ये तो गलत है, ठीक। गलत क्यों है? क्योंकि अकबर ने सती को बैन किया था, ठीक है, अकबर ने सती सिस्टम को बैन किया था, लेकिन उसने ये भी बोला था साथ में कि देखो मैं सती सिस्टम बैन कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई महिला अपने मर्जी से कोई करना चाहती है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक ना। मतलब एक होता है ना पर्सनल लिबर्टी दिया था, ठीक, कि और सती सिस्टम को बैन करते कोई फोर्सफुली किसी को सती के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन जो महिला खुद से करना चाहती है उसका मन है उसको हम नहीं रोक सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पर्सनल बिलीफ का उसका बात हो जाता है। तो अकबर इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ सोशल एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स, क्या क्या था? तो ही स्टॉप सती अनलेस सी हरसेल्फ और ऑफर फ्री विल, ठीक है, तो अपने मर्जी जब तक ना करे। विडो री मैरिज को लीगलाइज किया गया था, एज ऑफ मैरिज को 14 कर दिया गया था लड़कियों के लिए और 16 साल लड़कों के लिए, ठीक है। वाइन वगैरह जो होता है, अल्कोहल को प्रोहिबिट कर दिया गया था, ठीक। इवन अकबर ने भी बोला था कि भैया आप एक वाइफ ही रख सकते हो जब तक कि मतलब वो एक टाइप से नॉट सुटेबल फॉर चाइल्ड बियरिंग ना हो, ठीक ना। मतलब क्या, इन जनरल टर्म ही अलाउड, मतलब ही प्रमोटेड ओनली वन वाइफ, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम को भी एक टाइप से रिफॉर्म लिया था उसने। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ये करंट अफेयर्स से है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, RAMP रिजर्व एडवाइजरी एंड मैनेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें कुछ भी लॉजिक का कुछ भी काम नहीं है, ठीक ना। एक टाइप से रट्टू वाला हो गया, अगर आपको याद है, रटा हुआ है, देखा हुआ है, तो आप टिक मारो, वरना वो अक्कर बक्कर बम्बई वो वाला मत करो, ठीक ना, फालतू का रिस्क मत लो, आगे बढ़ो स्किप करके। तो वैसे इसका आंसर होने वाला है डी, एक वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोग्राम चलाया है MSME सेक्टर को हेल्प करने के लिए, ठीक है। हम लोग क्या, ये संगम लिटरेचर के बारे में, संगम टेक्स्ट वेयर प्रीडोमिनेंटली सेक्युलर इन नेचर, ठीक। सेकंड, संगम पोएट डिस्क्राइब द मिलिट्री एक्सप्लॉइट ऑफ द किंग एंड चीफ, ठीक है। तो मेरी तमिल कंट्री जो था ना, चेरा चोंडा पांड्या वाला, ठीक है, तो वहाँ उन्हीं स्पेशली जो संगम लिटरेचर था ना, तो वो संगम असेंबली जो हुआ, ठीक, मतलब क्या पांड्या से स्टार्ट किया था, तो पांड्या के लोगों ने, जो पांड्या के जो रूलर्स थे, उन्होंने बोला कि भैया आओ आओ, ठीक, अमीर गरीब छोटा मोटा मतलब जो भी है, ठीक ना, हर सोसाइटी के हर वर्ग से लोगों को बुलाया और बोला भैया आपका जो एक्सपीरियंस है सोसाइटी के लोग है, लेकिन आप उसके बारे में लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मतलब जो संगम लिटरेचर था वो स्टार्ट कब हुआ था हमारा, मेनली पांड्यास के टाइम में स्टार्ट हुआ था, ठीक। स्टार्ट हुआ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही 600 साल तक बनते रहा था हमारा, ठीक है, 300 BC से लेकर 300 AD तक हमारा कंटिन्यू पीरियड चलते रहा था, कि लोग आता था, बनाता था, लिखता था, ठीक। तो इसका टेक्स्ट होता था वो मेनली क्या होता था, सेक्युलर इन नेचर होता था, कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं, क्योंकि सोसाइटी के अलग अलग वर्ग से लोग आ रहे, वो अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ वो आ रहे हैं। और संगम लिटरेचर के अंदर मेनली दो टाइप का पोएम जो था ज्यादा फेमस था, ठीक है, अहम और पूरम उसको कहते हैं, ठीक। एक मेनली मिलिट्री का जो बात था उसका, मतलब ये जीता राजा ने वो जीता, उसका एक टाइप से ग्लोरीफाई करना। और सेकेंड होता था क्या, कि लव स्टोरी जो होता था सोसाइटी के अंदर, या फिर सोसाइटी का नॉर्मल लाइफ होता था, ठीक, उसको बारे में लिखना, ठीक, अहम पूरम होता था। खैर जो भी ऑप्शन हुआ, स्टेटमेंट 1 मेरा सही है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही है, तो ये मैं एलिमिनेट हो गया ऑप्शन बी। सेकंड, संगम पॉइंट्स डिस्क्राइब द मिलिट्री, ये तो बता ही दिया मैंने अभी, तो मेरा ये भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड, तो अब उस एरिया में क्या था, जो ग्रीक के जो एक टाइप से जो ट्रेडर्स आते थे इंडिया में ना उस टाइम में, तो उनको हम लोग यवना कहते थे, ठीक है, ये भी सही है मेरा, डी हो गया, ठीक। तो जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल फॉर्म द पार्ट ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज महाबलीपुरम, ठीक। तो महाबलीपुरम मिली हमारे तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। तो ये न्यूज में भी इसलिए था क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पे इंडिया के PM और चाइना के जो PM थे वहां पे घूमने गए थे, अच्छा खासा फोटो सेशन वहां पे हुआ था, ठीक है, फ्रेंडशिप को लेकर जो भी है। हाँ तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट ये टेम्पल है, तो ये बताना है। अब देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि टेम्पल नहीं बनता था, ठीक है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनता था, मतलब क्या एक एरिया है वहां पे बहुत सारा टेम्पल है, ठीक है,
ये वही वही बताना है कि हम लोगों को जो महाबली टेम्पल कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर कौन कौन टाइप का टेम्पल है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है क्या कि वी डोंट नो अबाउट कि इसमें से कौन कौन सा टेम्पल हुआ था, लेकिन ये पता है हम लोगों को क्या कि कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ा होगा इसके बारे में तो आपको ये पता हो कि लाटखा टेम्पल जो है ना वो आपका कर्नाटका में है, ठीक है, अहिहोल कर्नाटका में है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन इलिमिनेट स्टेटमेंट थ्री। सो इलिमिनेट द ऑप्शन विथ स्टेटमेंट थ्री, सो यू गेट द आंसर। सो आवर अल्टीमेट गोल इज टू सॉल्व एमसीक्यू एंड गेट द मास्क, मास्क नॉट मार्क, मास्क। कोविड ने प्रोनाउंसिएशन खराब कर दिया, वोकैबुलरी। ओके, जो भी हटा। हाँ तो यही बात है क्या, लाटखा टेम्पल जो है का कर्नाटका है मेरा, ठीक है, ये डेडिकेटेड टू गॉड शिवा, और ये आईहोल कर्नाटका में है लाटखा टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये बताना क्या, ये कुछ इंसिडेंट दिया गया किसी किंग के बारे में, ठीक है, हमें बताना है कि इनमें चारों में से ऐसा कौन सा किंग है जो कि इस जो इसने ये सब काम किया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ऑलवेज आई से दैट इन द जब भी, ठीक है, ऐसा लॉन्ग स्टेटमेंट मिले क्वेश्चन के अंदर, ठीक, तो देयर मस्ट बी अ कीवर्ड, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट कीवर्ड एंड यू गेट द आंसर, ठीक। अब जैसे यहाँ पर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हर्षवर्धना को, ठीक, नर्मदा के बैंक पे किस हराया था पुलकेशिन ने, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपने पढ़ा होगा वर्धना डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, तो मेरे को नहीं पता ये सब किसने किया था, लेकिन मुझे ये पता है क्या कि हर्षवर्धना जो था, ठीक है, द रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी, जब वो साउथ में जाता है अटैक करने के लिए तो उसको पुलकेशिन टू हरा देता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन पुलकेशिन टू है। तो मुझे बस ये डिफिटेड ही डिफिटेड किंग हर्षवर्धना ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, ये डिफिटेड, ये चार वर्ड से मेरा आंसर निकल गया, बस पूरा मेरे को पढ़ना भी नहीं है, बाकी रवि कृति ये सब तो पता निकल ही जाएगा, लेकिन एग्जाम के अंदर में ये देखना है कि कैसे मिनिमम से मिनिमम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज ये जरूरी नहीं होगा कि हमारे पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिटेड मतलब सफिशियंट इंफॉर्मेशन हो, ठीक। तो हो गया मेरा ये, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। तो मैं बताना है कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारा कैसा था मेडिवल अर्ली मेडिवल टाइम में। तो मेनली क्या होता है कि 800 से लेकर 800 एडी से लेकर 1200 तक, ठीक है, हमारा कहा जाता है अर्ली मेडिवल पीरियड, ठीक। तो बताना इस टाइम हमारा इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। पहला, ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या इस टाइम में हमारा ट्रेड वगैरह डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। तो ये तो मेरा बिल्कुल सही है, बिकॉज इस टाइम में क्या था कि देखो ट्रेड वगैरह तभी मतलब अच्छा होगा, इम्प्रूव हो पाएगा जब स्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी और पीस रहेगा। ये पीरियड के टाइम में क्या था कि सेंट्रल एशिया हमारा, वेस्टर्न एशिया के टाइम में बहुत ज्यादा वहाँ के जो ट्राइब्स थे उनके बीच में कॉन्टेस्ट हो रहा था, वो इंडिया पे अटैक भी कर रहे थे, इन्वेड भी कर रहे थे, जिसके कारण क्या था कि ये बहुत ही अनसेफ और अनसिक्योर रास्ता ट्रेड बन गया था हमारा, ठीक है। वो इंडिया का मैप अगर देखा जाए तो ये वाला रास्ता बहुत ही अनसेफ बन गया था, ठीक। तो पहले जो चाइना से डायरेक्टली रोमन एम्पायर में जो ट्रेड होता था डायरेक्टली वाला, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि चाइनीज सिल्क रोड, वहां पर ट्रेड करना बहुत ही जोखिम हो गया था, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ट्राइबल्स है तो कभी भी अटैक कर दे रहे थे, ठीक। तो फिर जुगाड़ क्या निकाला, जुगाड़ ये निकाला कि चाइना से हम, तो लैंड ट्रेड वॉज नॉट पॉसिबल बिटवीन चाइना एंड रोमन एम्पायर, ठीक, और ग्रीक एम्पायर। तो जुगाड़ क्या निकाला गया कि चाइना से हम लोग पहले इंडिया में लाएंगे, फिर इंडिया से वहां से री एक्सपोर्ट किया जाएगा रोमन एम्पायर के अंदर में, ठीक है। तो मेरे लिए ऐसे घूम के लाया गया, तो बिल्कुल ये वाला चीज, ठीक है। अब लेकिन क्यों, क्योंकि क्योंकि स्टेबिलिटी वाला फेज था हमारा, ठीक, मतलब ये ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला फेज था, इसलिए यहाँ पे ट्रेड वगैरह डिक्लाइन किया हमारा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है मेरा, ठीक है, क्योंकि डिक्लाइन नहीं किया था, इंक्रीज हुआ था मेरा। मैंने क्या बताया कि ये रहा रोमन एम्पायर, ये रहा चाइना, ठीक है, ये रहा इंडिया, ठीक, पहले डायरेक्टली ट्रेड रूट होता था इनके बीच में, फिर लेकिन क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला हो गया इसलिए ट्रेड लैंड रूट पॉसिबल नहीं था, लैंड के थ्रू ट्रेड करना, इसलिए जुगाड़ क्या निकाला गया, चाइना से इंडिया आएगा सामान और फिर इंडिया से रोमन एम्पायर या ग्रीक एम्पायर जाएगा, ठीक। तो ये डिक्लाइन तो नहीं हुआ इस टाइम में, इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव एक रास्ता बन गया लैंड रूट का अल्टरनेटिव, ठीक। तो वही ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना डिक्लाइन नहीं, इंक्रीज हुआ था इस टाइम में, ये तो मेरा गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये इलिमिनेट एंड ये इलिमिनेट, ठीक है। देर वॉज अ इंक्रीज इन द सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, नहीं। अब क्या होता है ना कि
गुप्ता पीरियड के टाइम के बाद क्या होता है, धीरे धीरे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन का सर्कुलेशन होता है, धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। क्योंकि नॉर्मल करेंसी के लिए हम लोग कॉपर कॉइन, ठीक, ये सब स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे कम हो जाता है उसमें, ठीक है। तो टू भी मेरा गलत हो गया, तो टू गलत हो गया, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 13, विथ रेफरेंस टू द पल्लवास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पल्लवास कैपिटल, पल्लवास स्टेब्लिश देयर किंगडम इन साउदर्न इंडिया विथ कांचीपुरम एज कैपिटल। ये तो बिल्कुल सही है, सबको पता है, ठीक है। ये अगर वन सही है मेरा, तो ये इलिमिनेट हो गया मेरा। कादम्बराज एंड चालुक्यास और बादामी वेयर कंटेम्पररी ऑफ द पल्लवास, ये मेरे को नहीं पता। सेकेंड एक थर्ड स्टेटमेंट, ऑल कैरेक्टर ऑफ लैंड ग्रांट्स गिवन बाय द पल्लवा टू द ब्राह्मण्स वेयर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट इन संस्कृत, ठीक। अब जहां पे ऑल दिखाई दे तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, ठीक है। बिकॉज पहला चीज तो क्या कि कोई भी क्या था, संस्कृत यूज होता था, लेकिन साउथ इंडिया, ठीक है, तो सिर्फ संस्कृत यूज नहीं हो सकता है, तमिल भी यूज होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे कल्चर का पार्ट है। ये तो गलत है, अगर थ्री भी गलत हो गया तो मैं ये इलिमिनेट हो गया, ठीक है। और फिर मुझे ये पता है कि ये सही है, तो ऑप्शन सी। तो फिर देखते क्वेश्चन नंबर 14, विद द रिफरेंस टू विशारा ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका, ठीक। ये न्यूज में के अंदर में भी है, क्योंकि इनका प्रोटेस्ट भी हुआ था रिजर्वेशन को लेके कर्नाटका के अंदर, ठीक ना। तो और सेकेंड चीज क्या कि अभी का जो प्रेजेंट हमारे सीएम है कर्नाटका के, वो भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक। विसारा या फिर लिंगा कम्युनिटी इनको बोला जाता है, ठीक। तो इनके बारे में बताना है क्या क्या बात सही है। तो द फॉलोअर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन वियर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन द, ये सब ठीक। तो ये तो सही है, मैंने बता ही दिया, ठीक ना, कि ये सिर्फ गॉड को एज अ गॉड नहीं, ये लोग मतलब वर्शिप करते हैं, एज अ सिंबल वर्शिप करते हैं, सिंबल ऑफ शिवलिंग या लिंगा, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री तो वन तो मेरा सही है, तो ये इलिमिनेट हो गया मेरा। सेकेंड, दे बिलीव दैट ऑन अर्थ द डिवोटी इज यूनाइटेड विद शिवा एंड डज नॉट रिटर्न टू द वर्ल्ड, ठीक। ये भी सही है। तो इनका ये मानना होता है क्या कि डेथ के बाद क्या होता है, मेनली क्या होता है, देखो कोई भी रीजन जो होता है वो हो मतलब होमोजीनियस नहीं होता है कि सब मतलब उस रीजन को फॉलो करने वाले उनका सबका मेंटेलिटी एक ही हो, ठीक। माई रीजन भले ही हम और आप मतलब मान लो कि सेम रीजन मतलब टाइप से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा वैल्यूज होगा रीजन को लेके, जो आपका वैल्यूज होगा, हर इंडिविजुअल में अलग अलग होता है, ठीक ना, क्लियर है। अब जैसे ये अब हर रीजन इतना डाइवर्स होता है कि उसको यूनिफाई करना या होमोजीनियस देखना मतलब एक टाइप से वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। बिकॉज अगर आप होमोजीनियस देखना स्टार्ट कर दोगे कि अरे एक रीजन के लोग तो एक ही चीज फॉलो करते होगा, उसके तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए एक ही रास्ता है, चाहे वो अलग रीजन हो या फिर सेम रीजन के अंदर में भी क्यों ना, टॉलरेंस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये ले लिया जाए कि हिंदुइज्म के अंदर मेनली क्या माना जाता है कि भैया आपका कर्मा होगा, ठीक, भगवान के मतलब आफ्टर डेथ यू आपका रिबॉर्न होगा, आपका कर्मा के बेसिस पे आपका रिबॉर्न होगा, रिबर्थ होगा, इज द कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन हिंदुइज्म। लेकिन ये हमारा जो ये वैशारा ट्रेडिशन है, ठीक, इनके अंदर क्या माना जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कि भैया आप एक बार डेथ हो गए तो आपका डेथ हो गया, आपकी आत्मा जो है वो गॉड शिवा से मिल जाती है। देख सकते हैं क्या कि भले ही सेम रिलीजन ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक, हिंदुइज्म के अंदर में भी आते हैं, लेकिन इनके थिंकिंग में कोर फिलोसफी में कितना बड़ा गैप है, ठीक ना। तो अब ये तो नहीं मतलब ठीक क्लियर है। तो ये एक मेरा ऑप्शन सही है, टू वाला, ठीक है। थर्ड वाला, दे डू नॉट प्रैक्टिस राइट सच एज क्रीमेशन बट इंस्टिंक्ट, मतलब इनका क्या होता है, ये आफ्टर डेथ क्या होता है, हिंदुज्म के अंदर क्या दिया जाता है, हिंदुज्म के अंदर क्या माना जाता है, क्या किसी का डेथ के बाद क्या होता है, उसके डेथ बॉडी के टाइप से बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक ना, फनल किया जाता है उसके आत्मा की शांति के लिए, ठीक। लेकिन ये विशारा ट्रेडिशन के लोग क्या मानते हैं ना, और राजस्थान के अंदर भी कुछ ट्राइबल ग्रुप्स, उनका ये मानना होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। वो लोग क्या करते थे, बरी करते, मतलब एक टाइप से जैसे मुस्लिम रिलीजन के अंदर होता है, क्रिश्चियन के अंदर क्या होता है कि डेथ बॉडी को आप ग्राउंडेड करते हो, तो सेम चीज हमारा वैशारा ट्रेडिशन के अंदर भी होता है, क्या आफ्टर डेथ वो लोग जलाते नहीं, वो लोग दफनाते हैं, ठीक है, बरी करते हैं उनको, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं क्या, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कोर एक टाइप से भले ही वो सेम रिलीजन के हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कितना डिफरेंस हो जाता है कोर फिलोसफी के अंदर, ठीक। तो ये बात होता है। और दूसरा बात होता है कि ये हमारे कोर मतलब जो होता है इतना डिफरेंस, इसलिए क्या होता है कि कोई भी रीजन होमोजियस नहीं होता है, हर रीजन के अंदर एक टाइप से डायवर्सिटी होता है, तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज डायवर्सिटी टू लिव इन अ पीसफुल सोसाइटी, वरना सब अपने अपने को लेकर नहीं मेरा ही सही है, मेरा ही सही है, तो फिर तो मतलब एक टाइप का भी पीस एंड हारमोनी मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक। वो आए लड़ेंगे नहीं गॉड रामा ही सही है, दूसरा लड़ेगा नहीं गॉड कृष्णा ही सही है, ठीक, गॉड शिवा ही सही है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। बहुत सारे डिफरेंसेस होता है हर रीजन के अंदर, टू बी हैव टू रिकॉग्नाइज इन एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट इट इन ऑर्डर टू लिव इन पीस एंड हारमोनी। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं हम लोग, क्या 15 क्या है हमारा, हाँ मराठा इम्पायर। तो
तो चौथ वाज मराठा इंपायर बताना विथ रिफरेंस टू द मराठा रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट चौथ वाज अ टैक्स नॉर्मली लिव्ड एट नाम से पता क्या चौथ चौथ मतलब क्या होता है वन चौथाई ठीक नहीं हिंदी में बोलते एक चौथाई ये तो बिल्कुल सही है कि 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू होता था तो स्टेटमेंट वन मेरा सही है तो ये एलिमिनेट हो गया मेरा सेकेंड सर देशमुखी वॉज एन एडिशनल लीवी ऑफ 10% ऑन दोज लैंड विच द मराठा क्लेम हेरिटेज राइट्स ये बिल्कुल सही है क्योंकि मराठा टाइम में क्या था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मराठा रूल देयर वर टू टैक्स एक होता था क्या चौथ एक होता था मेरा सर देशमुखी चौथ क्या होता था 1/4 ऑफ टैक्सेस और सर देशमुखी क्या होता था 10% ठीक है 10% ऑफ टैक्स 1/10 ठीक है तो देखते हम लोग क्या हाँ बोर्ड तो ऑप्शन टू भी मेरा सही है ठीक टू सही है तो ये एलिमिनेट हो गया मेरा बोर्ड टैक्सेस वे कलेक्टेड इन द मराठा किंगडम ओनली ओनली देखा अलर्ट हो जाओ ठीक तो ऐसा नहीं था कि वो लोग सिर्फ अपने एरिया में ही टैक्स कलेक्ट करते थे वो क्या करते थे आसपास के एरिया में या फिर जो आसपास राजपूत के एरिया हो गया चाहे मुगल का एरिया हो गया चाहे हैदराबाद का एरिया हो गया वहां पे भी जाके वहां के लोगों से भी प्रोटेक्शन मनी के तौर पे एक टाइप से चौथा सदस्यों कलेक्ट करते थे ठीक है तो ये भी मेरा गलत हो गया तो ऑप्शन थ्री गलत है मेरा तो ऑप्शन थ्री गलत है तो मेरा आंसर निकला ए ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब आप हिस्ट्री को रिलीजियस एंगल से देखते हो तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसे मराठा था ठीक ना उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने राजपूत के ऊपर भी के एरिया में भी अटैक करके वहाँ के जो फार्मर्स थे या फिर वहाँ के जो विलेजर्स थे उनसे भी चौथा सदस्यमुखी मतलब से किया कलेक्ट किया मुगल्स के ऊपर भी एरिया में भी जाकर उन्होंने किया ठीक हैदराबाद के एरिया में जाकर किया तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप तो मेनली क्या होता है कि आप सिर्फ रूलर के रीजन को देख के हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते बिकॉज सिर्फ रूलर तक हिस्ट्री लिमिटेड नहीं होता है उनके अंदर में जो लोग होते हैं ठीक ना लोग हर कास्ट हर कम्युनिटी के उनके अंदर में रहते हैं तो उनका कंडीशन क्या होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो पहले के टाइम में क्या होता था हिस्ट्री का हिस्ट्री पढ़ने वाले लोगों का ध्यान इसी पे होता था क्या राजा उसके आसपास का चीजों पर ठीक लेकिन अब क्या हो रहा है अभी के टाइम में कि जो हिस्ट्री पढ़ना या समझने का क्वेश्चन का भी जो हमारा पैटर्न है ना वो राजा पे फोकस नहीं करता वो फोकस करता है भैया उस समय का इकोनॉमी कैसा था उस टाइम का सोसाइटी कैसा था ठीक ना लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था क्या फूड हैबिट था क्या ड्रेसिंग हैबिट था ठीक है क्या सिस्टम था क्या एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर फोकस होता है ठीक क्योंकि ऊपर बाकी सब तो वो पॉलिटिकल चीज ही होता रहता था तो ठीक है चलो ये भी ध्यान रखना है क्या हिस्ट्री पढ़ते टाइम मेनली ध्यान ये रखना है राजा क्या मतलब कोई भी किंग या कोई भी डायनेस्टी हुआ तो उसका पॉलिसीज कैसा था ठीक है एग्जाम्पल उसका सोसाइटी कैसा था उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस पर फोकस करना है हमारा ठीक तो ये ऑनली नहीं होगा क्योंकि वो आसपास के एरिया में भी जाकर ठीक ना मतलब उनके एरिया में इन्वेड करके उनसे भी टैक्सेस वसूलते थे ठीक चाहे वो मुगल्स हो चाहे राजपूत हो सबके एरिया में तो इवन मराठा और राजपूत का भी बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्ट होते रहा था ठीक क्योंकि सिंपल जब आते ना जो दो टेरिटरी आपस में बॉर्डर शेयर करेगा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा ठीक है ये हमारा मराठा था यहाँ पर और यहाँ पर राजपूत थे तो क्योंकि बॉर्डर सेम है इनका तो लैंड कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा बट बिकॉज ऑफ सम रीजन हम लोग ज्यादा बात नहीं करते उसके बारे में ठीक है चलो आगे बढ़ते फिर तो 16 क्वेश्चन हमारा आज का देखो ये वाला विथ रेफरेंस टू द जैनिज्म फिलोसफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो ये बुद्धिज्म जैनिज्म फेवरेट है यूपीएससी का हर साल पूछ ही लेता है क्वेश्चन जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर तो हाँ तो व्हाइल जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इट प्लेसेस देम लोअर देन जीना ठीक सेकेंड क्या है कि राइट नॉलेज एक्शन फेथ आर कंसिडर्ड टू बी द थ्री जेम ऑफ रत्ना ऑफ जैनिज्म अब देखो अब क्या होता है गॉड के बारे में तो जैनिज्म जो था ठीक उसने ये बोला भैया ठीक है हम गॉड को मानते हैं लेकिन जो जीना होता है जो इंडिविजुअल विल होता है जो पावर होता है उसके नीचे हम लोग रखते हैं ठीक है क्लियर तो ये तो सही है स्टेटमेंट वन ये सही है तो ये एलिमेंट हो गया मेरा ठीक अब जो बुद्धिज्म था उसका ये मानना था कि भैया ये भगवान है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है आप ठीक है अल्टीमेटली उसने इन सब चक्कर में पढ़ा ही नहीं बुद्धिज्म ने गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने इंटेलेक्चुअल तरीके से इस सबको डील किया कि भैया गॉड है नहीं है ठीक वो जो भी है मान लो कि है नहीं उनके बारे में कुछ नहीं बोला बुद्धिज्म वॉज साइलेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस और मतलब ना तो उन्होंने गॉड को मतलब रिकॉग्नाइज किया एक्सेप्ट किया ना तो रिजेक्ट किया ठीक ना जैनिज्म ने एक्सेप्ट किया लेकिन उसको जीन के नीचे रखा जीना के बुद्धिज्म ने ना तो एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया ठीक है साइलेंट रहा उसके ऊपर उसका मेन फोकस क्या था बुद्धिज्म का कि भैया कि भगवान हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली जो वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है वो लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है इसलिए क्या है हम वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम होता है जो लोगों को फेस करना पड़ता है उसके ऊपर फोकस करते हैं ठीक है ये सब जो इंटेलेक्चुअल बात होती है भगवान होता है नहीं होता उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज अल्टीमेटली वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उस प्रॉब्लम से लोगों को कैसे सॉल्यूशन मिले उसके ऊपर फोकस करना है हम लोग को इसीलिए
बुद्धा ने दिया था ना क्या, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ठीक है, तो दुनिया जो है दुखों से भरा हुआ है, ठीक। दुखों का रीजन क्या होता है, डिजायर। डिजायर से बाहर निकलना है तो आपको कुछ कुछ चीज फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज था हमारा, ठीक, मिडिल पाथ ना। तो आपको अब दूसरा डिफरेंस क्या होता है, जैनिज्म पूरा एक्सट्रीमिज्म का, मतलब कैसे बोलते हैं क्या, कि भैया आपको पूरा नॉन वायलेंट, मतलब एक टाइप से प्रैक्टिस करना है। इसलिए क्या होता है, जैनिज्म को फॉलो करना है लोग, एग्रीकल्चर तक नहीं करते, बिकॉज एग्रीकल्चर करने टाइम में भी क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो होता है उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है, तो लोग एक गौतम बुद्ध ने बोला था भैया कि आपको एक्सट्रीम ना, तो आपको मतलब इनलाइटमेंट होने के लिए या फिर सुख पाने के लिए या फिर मोक्ष पाने के लिए आपको ना तो पूरा दुनिया को त्याग करना है और ना ही पूरा मतलब मेटलिस्टिक हो जाना है, ठीक है। आपको मिडिल पार्ट चूज करना है, बैलेंस करना है दोनों चीजों को, ठीक ना। तो बैलेंसिंग थिंग्स वॉज द कोर फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, ठीक। ये और ये तो बिल्कुल सही है, जैनिज्म का थ्री रटना वाला, तो इसको याद करने का तरीका क्या, KFC, ठीक है, KFC। अब कंडक्ट को आप एक्शन भी बोल सकते हो, ठीक, ये मेरा कंडक्ट है, ये मेरा एक्शन, तो एक ही चीज होता है, ठीक है। ये सही है मेरा, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। तो हाँ, विजयनगर एम्पायर, विथ रेफरेंस टू विजयनगर एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ सेवन लाइन ऑफ फोर्ट्स विच इंसर्कल नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो द एग्रीकल्चर हिंटरलैंड। मतलब क्या कि ये मेनली क्या था कि जो विजयनगर एम्पायर था ना, एक टाइप से जो फोर्ट था या सिटी था ना, वो मेनली क्या था कि सेवन मतलब उसमें लेयर थे हमारे, ठीक ना, सेफ्टी के सेवन लेयर थे, एक दो ऐसे के सेवन लेयर था, ठीक है। तो जो हमारा सेवन लेयर था, ठीक, सेकेंड, हाँ, तो ये सेवन लेयर था क्या, इनके बीच में क्या था, सिर्फ सिटी नहीं था, इनके बीच में एग्रीकल्चर लैंड भी था, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पता था क्या कि जो हमारा होता था, ठीक है, जो हमारा होता था जो उस समय वॉर वगैरह, ठीक, तो वॉर वगैरह में क्या होता था, पापा ही भेजा है, छोड़ देना, कैंसिल करता है। तो मेनली क्या होता था कि हमारा उस समय वॉर होता था, बहुत लंबा मतलब टाइम तक चलता था, ठीक। दूसरे कारण क्या होता था कि हम वॉर हो गया और लोगों ने अटैक किया, ठीक, लोगों ने अटैक किया, सिंपल सा बात है क्या कि आपका जो फूड सप्लाई होता था पूरा इम्पैक्ट हो जाता था, पूरा फूड सप्लाई अगर इम्पैक्ट हो गया तो नॉर्मल सा बात है क्या कि आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, स्कार्सिटी ऑफ फूड मटेरियल हो जाएगा। तो वैसा ना हो इसलिए क्या हुआ था कि जो फोर्टेस के अंदर में ही, ठीक ना, जो सात हमारा स्टेज बनाया गया था उसके अंदर में क्या हुआ था, हमारा एग्रीकल्चर लैंड को रखा गया, जिससे कि जब भी अटैक वगैरह हो पूरा जब मतलब कैसे ब्लॉक हो जाए, ठीक ना, ब्लॉकेज के टाइम में भी हमारा क्या होगा कि इस एरिया के अंदर फूड का शॉर्टेज ना हो, एग्रीकल्चर चलते रहे, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ठीक, तो ये मेरा सही है, तो ऑप्शन डी इलिमिनेटेड हो गया मेरा, ठीक है। तो अब देखते क्या, अब इनका जो फोर्ट वगैरह बना था या फिर जो ये जो सेवन जो फोर्टेस बना था, ठीक ना, जिसको सेफ्टी के लिए उन्होंने बनाया था, उसमें किसी भी टाइप का सीमेंट बालू यूज नहीं हुआ था। तो उसमें मेनली क्या होता था, पत्थर वगैरह को ऐसे रखा गया था कि वो पूरा फिट होता है। जैसे एग्जाम्पल ये पत्थर, राइट, ठीक है, इस पत्थर के साथ इसको ऐसे रखा गया कि जैसे एग्जाम्पल ये पूरा, ठीक, ये रखा गया इसको, अब इसको पूरा फिट कर दिया गया कि यहाँ पे एक पत्थर का, जैसे कि एक टाइप से बिना किसी सीमेंट बालू मोर्टार के इन्होंने पूरा ये एक टाइप से फोर्ट बनाया था, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन टू सही है, तो ये इलिमिनेट हो गया मेरा। थर्ड, वाटर टैंक वगैरह, तो पता ही है साउथ इंडिया के अंदर सभी राजाओं के अंदर इरिगेशन वाटर टैंक उन्होंने फोकस किया था, ठीक है, तो ये भी मेरा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री मेरा सही है, तो ऑप्शन थ्री सही है, ठीक है। तो ये मेरी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन, ये भी ठीक है, ये हमारा था आज का क्वेश्चन। तो कल के फिर क्वेश्चन साथ हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं तो खत्म करते हैं, ठीक है, चलो।